पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं सिपाही रिजवान। छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर फारूक अली के अंगरक्षक रिजवान अंसारी के कार्यों की काफ़ी सराहना हो रही है। वीसी के अंगरक्षक रिजवान अंसारी, जो पर्यावरण को सुरक्षित, स्वच्छ और संरक्षित करने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं, हालांकि ये प्रेरणा इन्हें कुलपति से मिली है, जो खुद साफ सफाई और पौधारोपण को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं। जयप्रकाश विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर हजारों पौधारोपण किया गया है, जिसकी देखभाल और वहां साफ सफाई का विशेष ख्याल इनके द्वारा रखा जाता है। अंगरक्षक रिजवान ने बताया कि कैंपस के अंदर लाखों की संख्या में पार्थेनियम के जंगली पौधे जमे हुए हैं, जो मानव शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक माने जाते हैं, जिनके वातावरण में रहने से कई गंभीर बीमारियों का होना निश्चित माना जाता है। ऐसे में उन पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, ताकि वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित बना रहे। ऐसे में रिजवान ने सभी से ये अपील भी किया कि जहां भी इस तरह के पौधे दिखे, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। बता दें कि रिजवान अपने ड्यूटी से समय बचने के बाद भी इन कामों में लगे रहते हैं। वहीं इनके साथ अनिल कुमार, राम प्रवेश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार सभी साथ मिलकर इस कार्य को करते हैं। हम विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, जब से बीसी साहब के अंगरक्षक के रूप में, तब से लगातार बीसी साहब के साथ या उनके न रहने पर अन्य साथियों के साथ मिलजुल ये सब करना कैसा लगता है आपको? बहुत बेहतर लगता है कि समाज के लिए कुछ हम लोग अपना श्रमदान करके कुछ मेहनत कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी से लोग बचे, जो कि बहुत बड़ी बीमारी। कौन सा ये जंगली पौधा है जिसको आप उखाड़ रहे हैं? पार्थेनियम जो है, इसके वजह से सर ने बताया इसके बारे में कि इसके वजह से कैंसर होता है। जो जब विदेश से गेहूं आया था, उसी समय बहुत पहले आया हुआ साथ में आ गया जी। इसके वजह से जहां हम लोग देखते हैं, नज़र पड़ता है, उसको उखाड़ देते हैं। उसके साथ साथ वृक्ष को बचाने के लिए वृक्ष का पटौन शुरू है। हफ्ते में एक बार सबका पानी लेकर आप आते हैं गाड़ी से? गाड़ी से वहां से पानी आता है, लेकर के ड्राम से इसको पाइप से सिंचाई किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा सिपाही 1239 रिजवान अंसारी, जिला बलसारा।